आज हम बात करेंगे कि हिस्टेरोस्कोपी क्या होती है। हिस्टेरोस्कोपी मतलब यूट्रस या गर्भाशय के अंदर एंडोस्कोपी करके देखना कि क्या बीमारी है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नेहा गुप्ता, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन बेस्ड एट नोएडा NCR। आज हम बात करेंगे कि हिस्टेरोस्कोपी क्या होती है। हिस्टेरोस्कोपी मतलब यूट्रस या गर्भाशय के अंदर एंडोस्कोपी करके देखना कि क्या बीमारी है। इसकी खास बात यह है कि इसमें हमें किसी भी तरीके का छेद नहीं करना पड़ता। इसमें हम अपने एंडोस्कोप को योनि जाने की वजाइना के थ्रू डालते हैं और बच्चेदानी के मुंह से हम अपने यूजुअली एक 4 मिलीमीटर के एंडोस्कोप को डाल के यूट्रस के अंदर की कैविटी, जो बच्चेदानी के अंदर की जगह है, उसको हम उस चेक कर सकते हैं आराम से कि उसके अंदर कोई विकार, कोई ग्रोथ, कोई पॉलिप, कोई फाइब्रॉइड, रसौली जैसी चीज तो नहीं है और जिसकी वजह से जो भी लेडी है उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है। जो लेडीज कंसीव नहीं कर पा रही हैं, उनकी फिलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या नहीं है, उनके ट्यूब की ओपनिंग को भी हम अंदर से देख पाते हैं। अगर ये फिलोपियन ट्यूब का एंड यहाँ से ब्लॉक्ड हो तो इसको खोलने का प्रोसीजर भी हम हिस्टेरोस्कोपिकली कर सकते हैं। और साथ में अगर कोई फाइब्रॉइड हो तो हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी कर सकते हैं, कोई पॉलिप हो तो पॉलिपेक्टमी कर सकते हैं, कोई सेप्टम या दीवार बनी हो बच्चेदानी के अंदर तो हम उसको भी रिमूव कर सकते हैं रिसेक्शन करके। और साथ में अगर कोई ऐसी ट्यूमर जैसी ग्रोथ दिख रही है, कोई एबनॉर्मल ग्रोथ दिख रही है अंदर, जिसमें हमें शक हो रहा है कि शायद ये कैंसर का कारण हो सकता है या कैंसरस हो सकती है, तो उसे हम विजुअलाइज करके देख के उस जगह से बायोप्सी लेके उस टुकड़े को चेकअप के लिए भेज सकते हैं। तो जनरली हिस्टेरोस्कोपी हम इनफर्टाइल फीमेल्स में, जहां फीमेल इनफर्टिलिटी का एक फैक्टर हो, वहां चेकअप के लिए करते हैं। जिन लेडीज को पीरियड में ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है या फिर हमें पता है कि कोई पॉलिप है या कोई फाइब्रॉइड है बच्चेदानी के अंदर, तो उसको रिमूव करने के लिए करते हैं। या फिर हमें पता है कि कोई विकार है यूट्रस में बच्चेदानी के अंदर, तब हम इसको करते हैं। कभी कभी किसी बीमारी या अबॉर्शन या कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से पीरियड आने बंद हो जाते हैं लेडीज में, जिसको हम एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं, तब भी हम जो अंदर अडहेजन्स बन गए हैं, जो अंदर बच्चेदानी के अंदर की कैविटी खत्म हो गई है, उसको क्रिएट करने के लिए भी हम हिस्टेरोस्कोपिकली प्रोसीजर करते हैं। जो लेडीज जिनके पीरियड्स बंद हो चुके हैं और अचानक से पीरियड बंद होने के बाद जब ब्लीडिंग आने लग गई है, पीरियड जैसी कोई ब्लीडिंग नीचे से आ रही है, तब भी हम चेकअप करने के लिए हिस्टेरोस्कोपी करते हैं। तो ये हिस्टेरोस्कोपी एज ए डे केयर प्रोसीजर काफी कंफर्टेबली की जाती है। पेशेंट सुबह ही आता है, शाम तक उसकी छुट्टी हो जाती है। बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है। प्रोसीजर में जो ज्यादातर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है उसमें 5 मिनट लगते हैं और जो लंबे प्रोसीजर है वो भी ज्यादातर छोटे ही टाइम में हो जाते हैं। ये काफी सेफ प्रोसीजर है। मोस्टली हम इसको जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। कुछ ऐसे भी आजकल एडवांस्ड हिस्टेरोस्कोप आ गए हैं जो बहुत ही छोटे डायमीटर के होते हैं, जिनको हम ऑफिस बेस्ड हिस्टेरोस्कोपी यानी कि ओपीडी बेसिस पे भी कर सकते हैं, जिसके लिए जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ती। तो हिस्टेरोस्कोपी से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर ये पेनलेस होता है और पेशेंट बहुत ही कंफर्टेबल होता है और अगले ही दिन से अपना जनरली सारा काम रिज्यूम कर पाता है। थैंक यू।